राम राम भाई सारन है, राधे कृष्णा, हेलो हाय। तो भाई अभी हमारे हैं छत पे, यानी कि अभी हम आ रखे हैं छत पे। तो देखो छत का क्या माहौल हो रखा है, वो देखो सामने कितने सारे पक्षी एक झुंड में जाके उड़ रहे हैं, इतनी अच्छी उड़ान होती है इनकी। और ये चील वगैरह ईगल एक जगह पे घूम रहे हैं, लग रहा है इन लोगों को यहाँ पे शिकार मिला हुआ है। और नीचे बच्चे पटाखे फोड़ना अभी से शुरू कर दिया है, उनको भी ये दिखाता हूँ। वो देखो वो फोड़ रहे पटाखे, इनके हाथ में पटाखे, एक वो वाला लड़का फोड़ रहा है, एक लड़की फोड़ रही है। देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। और वहाँ पे आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कुछ नहीं बना होगा, और एक घर आप पहले मेरे ब्लॉग्स में देखते थे ये नहीं बना है। तो देखो अभी मतलब ये पूरा बन चुका है, बस इसके अंदर थोड़े दरवाजे वगैरह रह रखे हैं, टंकी भी रख दी गई है। और वहाँ पे देखो वहाँ पे अभी कुछ घर टाइप ही बन रहा है, वहाँ पे अच्छा सा रास्ता बन चुका है। तो वहाँ पे अब से हम साइकिल चलाया करेंगे, देखते क्या करें करेंगे। और अभी आप लोगों को बार बार पट पट की आवाज़ आ रही होगी, और देखो पक्षी एक ही जगह में मतलब एक ही रोटेशन में घूमे जा रहे हैं, ऐसे 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 एक ही रोटेशन में घूमे जा रहे हैं बार बार। अब उधर चले गए, क्या चक्कर है इनका, नहीं वापस आ गए। देखो एक ही रोटेशन में घूमे जा रहे हैं, डर के मारे हो रहा है शायद से इनका। ये देखो और वहाँ पे भी दो है ईगल, यहाँ पे तो बहुत सारे मेरे सर के ऊपर, वहाँ पे देखो कितने सारे हैं। रुको अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो दिख रहे हैं कितने सारे हैं। और ये रे ये मेरे मतलब बिल्कुल करीब है, वो बिल्कुल मतलब दूर टाइप में है देखो, और ये वाले करीब में ही है। एक को जूम आउट करके देखते हैं कि कैसा दिखता है, आप लोगों ने देखा है ना अगर बिल्कुल पास से तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसे मैंने पक्षी पाले हुए हैं वो उनको कमेंट करके बताना। और देखो पानी यहाँ पे भरा नहीं है, पर हमने रखा हुआ है, ये क्या है इसको भी भर के अभी रखना पड़ेगा। और देखो ये रही हमारी टंकियाँ जो एक बार हमने किया था यहाँ पे साफ, और पीछे होने वाला सनसेट बस थोड़ी देर में। और एक और कबूतर गया यहाँ से, नीचे है हमारा घर और वो होने वाला है सनसेट सामने बस थोड़ी देर और लगी, बादलों के अंदर छुप चुका है सन। देखो तो देखो कितनी सारी बर्ड्स चहचहा रही हैं, देखो आ गई आप लोगों को आवाज़, बहुत सारी बर्ड्स है जो चहचहा रही है तब से। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून का है, मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना वो आराम की ज़िंदगी पाते हैं, यहाँ पे इतना शोर शराबा नहीं है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन है तो बिल्कुल उधर है जहाँ पे वो घर वगैरह वहाँ पे दिख रहे हैं ना वहीं पे है तो, वरना तो इधर तो नहीं है। और देखो कितने सारी बर्ड्स आ चुके हैं मेरे ऊपर, कितने सारे पक्षी, ये ईगल पता नहीं कितने सारे वो आ चुके हैं, बाज वगैरह। तो देखो अभी तो हमारी छत का लुक कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे आप लोगों ने पहले देखी तो हुई है पर जो पहले से ज़्यादा ग्रीनरी हो चुकी है। और ये वाला घर भी बन ही चुका है देखो, ये फैक्ट्री है वैसे घर तो नहीं है। और वहाँ पे हमारी बॉल है जो हम मतलब पहले क्रिकेट खेलते थे ना, तो वहाँ पे बॉल गिरी हुई है बहुत सारी। देखो एक तो वो रही, एक वो रही ठीक है, और एक प्लास्टिक वाली वो रही, और तो कोई भी नहीं है बॉल। देखो बस दो ही हैं बॉल, तो उस साइड तो होगी नहीं क्योंकि हम उस साइड ज़्यादातर जाती थी वैसे तो, लेकिन हम वहाँ से तो हम निकाल लेते थे सीढ़ी पे चढ़ के। तो देखो अभी क्या मस्त व्यू हो रहा है ऊपर, और ऊपर चील में इनकी तरफ मेरे ज़्यादा ही ध्यान जा रहा है। और नीचे दूसरे वाली छत पे देखते क्या हो रहा है, कौन है दूसरी वाली छत भी खाली, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है जो बर्ड्स है ना ये पटाखों की ड्रेस है, थोड़ा सा मतलब वो रोटेशन जो इनकी है ना वो मतलब भूल चुके हैं, वो अपनी मतलब एक ही रोटेशन में बार बार घूमे जा रहे हैं। वो देखो वो इधर ही थे ना इतने सारे, या तो उनका कोई कंपटीशन चल रहा होगा। ये देखो अब आधे उधर गए आधे इधर आ गए, अब फिर से एकजुट हो जाएंगे। और ये भी समझ में नहीं आ रहा ये कौए हैं या फिर क्या है, अब देखो फिर से आ गए इधर, ओ ये तो उधर चले गए, पर ये एक ही जगह पे सर्कल की तरह रोटेट करते जा रहे हैं, पृथ्वी जैसे रोटेट होती रहती है। तो अभी चलो हम चलेंगे नीचे, तो
चलो अभी चलते हैं हम नीचे और फिर दिखाते हैं आप लोगों को मैं क्या करूँगा अभी घर पे बैठ के। ओके थोड़ी देर खेलते इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं आज मैं क्या करूँगा घर के अंदर, क्योंकि कल है मेरा एग्ज़ाम और मतलब रिवीजन मेरे को करनी है, तो रिवीजन करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि मतलब कितनी रिवीजन मेरी रह रही है। बस थोड़ी सी है, बस रिवीजन करके फटाफट से फिर हम कल दे देंगे अच्छा सा एग्ज़ाम। तो चलो अभी तो मैं चलता हूँ नीचे और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ओके तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ छत से नीचे और तभी मम्मी बना रही थी खाना और खाने में आज है माय फेवरेट 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 दलिया। तो चलो अभी हम खाएंगे, मतलब थोड़ी देर बाद खाएंगे हम दलिया और उसके बाद हम मतलब मम्मी ना तभी बनाती है जब मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे को ये बहुत पसंद है तो इसलिए। ओके तो अभी आप लोगों को मैं करा देता हूँ दर्शन माय फ्रेंड कृष्णा, मतलब मेरे भाई कृष्णा की, कान्हा की, ये कितने स्वीट स्वीट हैं। और चलो फिर अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट। ओके तो गाइस अभी चलो हम लोग करते हैं, मतलब हम लोगों ने खाना तो खा ही लिया है और कान्हा ने भी खा लिया है जो हमने लगा दी थी, और खाना टेस्टी बहुत ज़्यादा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को दलिया के साथ दूध और चीनी पसंद है, और आपके घर पे कौन किस तरह का दलिया बनता है, सिंपल जिसके जो मीठा नहीं होता, या फिर वो वाला मीठे वाला दलिया। मैं तो मीठे वाला पसंद करता हूँ, जो मम्मी मीठे वाला बना देती है। तो फिश इसका खाना डाल रखा हमने, ये रहा खा लेंगी जब खाना होगा, उसकी लाइट अभी हम लानी है तो ला देंगे। और ये रहा मैं, हेलो। तो चलो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मतलब मैं क्या पढ़ाई करता हूँ। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, ये रहा, इसमें से हमें निकाल देंगे एक पेन और अभी करते हैं पढ़ाई। अभी हम निकालेंगे ये संस्कृत की नोटबुक, क्योंकि कल हमारा संस्कृत का एग्ज़ाम, हमने मतलब बस रिवीजन करनी है। हमने जो मैंने जो पेजेस फोल्ड कर रखे हैं ना वही आ रखे हैं, ये आ रहा है, ये तो बहुत ईजी है वैसे तो, ये आ रहा है। गिनती तो मेरे को सारी आती है संस्कृत में और हिंदी में भी आती है, ये आ रहा है धातु रूप आ रही है, ये देखो ये आ रहा है कक्षायाम प्रयोगिनी वस्तुनामानी अव्यय आ रहे हैं, प्रत्यय आ रहे हैं जो कत्वा वाले होते हैं ना वो आ रहे हैं, चित्र वर्णन आ रहा है, अनुवाद लेखनम आ रहा है। ओके और आगे देखोगे तो संवाद लेखनम भी आ रहा है, परिवार संबंध की वो भी आ रहा है, ये अभी आ रहा है खेल धातु रूप जो हमने कर लिया है। देखो ये नहीं आ रहा है, ये चैप्टर है, चैप्टर तो आ रहे हैं, ये देखो ये रहा चैप्टर आ रहा है कर लिया, ये भी हमने कर लिया, पंकजम होता है कलम कमल का। और ये क्या, ये वाला नहीं आ रहा क्योंकि फोल्ड नहीं करा हुआ, ठीक है। ये कौन सा चार आ रहा है, ये आ रहा है हमने कर लिया है, ये कौन सा है, ये व्हाट इज दिस, ये है सात, सात आ रहा है वैसे तो चैप्टर, हाँ मैंने कर लिया ये भी, हाँ ये भी कर लिया मैंने अभी, मतलब मैंने कर लिया था पहले। देखो अभी हमने मतलब अब वे दूसरे वाला है, ए का ही होता है, ठीक है। और यथा का, यथा मतलब, यथा मतलब होता है जैसे, तथा मतलब वैसे, सदा मतलब हमेशा, कुत्र मतलब कहाँ, और अत्य मतलब बहुत, इजी है ये तो। प्रश्न निर्माणम भी है, और ये वर्कशीट में से पढ़ लेता हूँ मैं, और तो कुछ नहीं क्योंकि वर्कशीट में से भी आ सकता है तो इसे पढ़ लेते हैं। और आ रहा है हमारा वर्कशीट के बाद जो है हमारा आ चुका है ये, ठीक है। ये है कौन से चैप्टर का, ये है पार्ट पाँच का, पार्ट पाँच का हमने कर लिया है देखो, ठीक है। और चलो अभी आप लोगों को दिखाते हैं आगे, ये देखो ठीक है, पार्ट पाँच का उत्तम पठित गद्यांश आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है ये छः पाठ आ रहा है, छः का ये रहा, ये जो है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखो वसंत कौन कौन से महीनों में आता है, मतलब जो वसंत होता है, वसंत आता है चैत्र और वैशाख में, ग्रीष्म आता है जय आषाढ़ में,
और जो वर्षा है वो श्रवण भाद्रपद में आती है, शरद आता है अश्विन कार्तिक में, हेमंत आता है मार्गशीर्ष और पौष में, और शिरशिर आता है शिरशिर आता है माघ और फाल्गुन में। देखो ये कौन सा लिख लटकार, नहीं ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कर लिया, व्हाट इज दिस हजातु लटलकार, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कतवा आपने पीछे देखा था ना कतवा प्रत्यय, ये आठ आ रहा है, आ रहा है आ रहा है, हम गिनती जो है ना 50 तक नहीं आ रही है, बस ना 30 तक आ रही है जो होता है त्रिशन, देखो ठीक है। और अभ्यास इसका वो बहुत ईजी है, 10 नहीं आ रहे, 9 तक आ रहे चैप्टर्स, हाँ बस, और ये आ रहा है, कर लिया, ये भी, ये तत् या दद शब्द रूप बोलते हैं इन्हें, इसके अंदर सिर्फ ये वाला आ रहा है, इसका पुलिंग वाला आ रहा है, ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नहीं आला, और अनुवाद लेखनम हो गया, प्रश्न निर्माणम हो गया, और है और समाप्त। तो अभी हम कर लेते हैं फटाफट से रिविजन, उसके बाद मिलता हूँ आपको, उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।